कांग्रेस ने देश की अर्थव्यवस्था को गड्ढे में धकेला, पीएम मोदी ने 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दी। मोदी और स्मृति ईरानी के फोल्डिंग फाड़ने के झगड़े में SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज, भाजपा के 22 कार्यकर्ता निष्कासित। सुरक्षा वापस करने पर योगी सरकार के मंत्री का आजम खान पर तंज, बताया क्यों उनके खिलाफ दर्ज हो रहे केस। दिल्ली में बेकाबू हो रहा डेंगू का डंक, 129 नए मामले आए सामने, अब तक 500 के पार पहुंचा आंकड़ा। राजस्थान में सियासी संकट के बीच एक्टिव हुई बसपा, मायावती के भतीजे ने दिए बड़े फैसले। आप नेता का दावा, भाजपा ने दिल्ली में दंगा कराने की कोशिश की थी, उपराज्यपाल को सबूत सौंपे। ऑपरेशन लोटस तो बहाना है, भगवंत मान को हटाना है, AAP के आरोपों पर BJP का काउंटर अटैक। सपा नेता ने सादा डिप्टी CM पर निशाना, कहा मौर्य नहीं करा पाएंगे, एक चपरासी का भी ट्रांसफर। लोकसभा चुनाव तक नड्डा रह सकते हैं भाजपा अध्यक्ष, राज्यों के चुनाव के बीच बदलाव नहीं चाहती पार्टी। बांग्लादेश में नाव पलटने से अब तक 51 लोगों की मौत, 34 अभी भी लापता। देखते रहिए TV भारती समाचार, नजर हर खबर पर।